subscribe to Tekease and press notification bell to get notified about Tekease videos. This video is sponsored by Powerfuel India, a multi-brand dietary supplementary store. Hi guys, welcome to my channel Tekease. Guys, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑन द नाइन लाइट के बारे में. ऑन द नाइन लाइट में दो कैमरे पीछे दिए गए और दो आगे दिए गए. ये दो कैमरे आगे पीछे वाले क्या हकीकत है या धोखा, इसके बारे में आपको बताएंगे. आपको देखना है सच्चाई तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए और देखिए. कम ऑन, लेट्स सी. हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सा कैमरा जो है वो बूके के लिए 2 एम्पियर, कौन सा 13 एम्पियर कैमरा है. मैं बात कर रहा हूँ अभी बैक कैमरा की. तो हमने बैक कैमरा चालू किया हुआ है यहाँ पर. ये बैक कैमरे पे मैं एक लगा देता हूँ इस तरफ, तो इसका असर क्या होता है. ये मैंने टेप लगा दिया है और ये आ गया. तो अभी मेरा कैमरा चल रहा है, काम हो रहा है. इसका मतलब कि ये वाले कैमरे में जो है ये आपका मेन कैमरा नहीं है. ये कैमरा 2 एमपी कैमरा है और ये इससे आपका ब्लरिंग इफेक्ट आता है. ये आपका मेन कैमरा है. अब मैं इससे यहाँ पर लिख आ रहा है कि लेंस मस्ट नॉट बी कवर्ड. ये देखिए, लेंस मस्ट नॉट बी कवर्ड, मतलब सेंस कर रहा है कि कैमरे पे जो है लेंस जो है छुप गई है. और अब मैं इस टेप को यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पर, तो देखें अब क्या होता है. आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैंक हो गया है कैमरा. तो मतलब ये आपका मेन कैमरा 13 MP का, ये पूरा ब्लैंक हो गया है. तो जो बोला जा रहा है कि ये फेक कैमरा है और इसमें कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेक कैमरा है. अब मैं बात करूँगा यहाँ पे फ्रंट कैमरे की. तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है, फ्रंट कैमरा. फ्रंट कैमरे में मैं पहले यहाँ पर इसको लगा देता हूँ एक टेप. ये देखिए, मैं टेप लगा दिया है तो ये पूरा ब्लैंक हो गया है. इसका मतलब ये है कि ये मेरा मेन कैमरा है, ये 13 MP कैमरा है. और मैं यहाँ पे इसको निकाल के एक टेप यहाँ लगा देता हूँ. ये मैंने टेप लगा दिया है तो अभी मेरा ये विजन मिल रहा है, मतलब कि ये मेरा 2 MP कैमरा है. आपको पता चल गया है कि कौन सा 2 MP है और कौन सा 13 MP कैमरा है, इससे आपको पता चल गया है. अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर. तो गाइस, बैक कैमरे में देखिए ये 2 MP है, 13 MP कैमरा. और यहाँ पर मैंने बोके इफेक्ट हाईलाइट किया हुआ है. ये देखिए, फोकस में टच किया हुआ है. और अब ये मेरा अपर्चर जो है मैंने रखा है वो नंबर 4, यहाँ पे नंबर 4 पे लिया हुआ है. ये इसको टच किया है मैंने और अब ये मैंने क्लिक कर लिया है. तो आप देख सकते हैं कि ये टच किया था मैंने, तो ये मेरा शार्प है, ये ऑब्जेक्ट मेरा शार्प दिखाई पड़ रहा है. और ये पिलो जो है वो थोड़ा ब्लरी है और बैकग्राउंड भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा ब्लर ये बैकग्राउंड है. साथ में आपको ये जो वॉकर का जो ये बेस है, व्हील बेस, वो भी ब्लर आया हुआ है. इसका मतलब कि ये ब्लर इफेक्ट जो है, बोका इफेक्ट, इसमें बार बार तक काम कर रहा है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आइकॉन भी दिख रहा है आपको, बोके का बोका आइकॉन दिख रहा है. यहाँ पर गोल्ड अपर्चर का आइकॉन दिख रहा है. ये एक टेप है, इस टेप को मैं लगा लेता हूँ इस लेंस के ऊपर, जो कि बोका लेंस है, जो कि 2 MP का कैमरा है. इसको यहाँ पे ऑफ कर लेंगे हम. ये कैमरा बंद कर लेते हैं. ये मैंने कैमरा बंद कर दिया है. और अब देखो मैं यहाँ पे आ करके, तो मुझे यहाँ पे एरर आता है कि लेंस मस्ट नॉट बी कवर्ड. इसको ये सेंस कर रहा है कि ये जो है टेप लग गया और लेंस जो है वो कवर्ड हो गई है. अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, देखिए यहाँ पर भी बोका का आइकॉन लगा हुआ है, मतलब मैंने बोका चूज़ किया हुआ है. और फिर से मैं उसी एंगल में रख करके इसको वॉकर को टच कर लेता हूँ, फोकस कर लेता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ. जाके देखते हैं कि किस तरह से फ़ोटो आ रहा है. जैसे कि ये आप देखते हैं शार्प आया है, और ये जो पिल्लो है ये भी शार्प है, और ये जो चद्दर है नीचे फर्श ज़मीन वो भी शार्प है, ये भी शार्प है. तो टोटल तरह से ये शार्प आया है. और यहाँ पर मुझे कोई बोके का आइकॉन नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं आप. ये जो फोकस का था अपर्चर आइकॉन वो नहीं दिखाई पड़ रहा है. इसका मतलब कि जब ये लेंस मैंने कवर कर लिए तो ब्लरिंग का ऑप्शन जो है बंद हो गया है. इससे साफ जाहिर है कि ब्लरिंग जो है, और ये सेकेंड कैमरा जो है जो बुके का काम कर रहा है 2 MP का, जो कि फेक कैमरा नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, ये असली काम कर रहा है. और ये कोई सॉफ्टवेयर रेंडरिंग या सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी जो है ब्लरिंग हो रही है. यही चीज़ में दिखाई दूंगा आपको अभी आके फ्रंट कैमरे में भी. तो गाइस, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक मेरा पोर्ट्रेट फोटो.
देखते हैं इसमें कैसा आ रहा है। अभी मेरे पास में कोई भी लेंस मैंने कवर नहीं की हुई है, अब देखते हैं किस तरह से फ़ोटो आ रहा है। तो गाइस अब देखते हैं, इसको हमने जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। आपको मैं दिखा दूँ सबसे पहले बात कि यहाँ पर बोका इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि मैंने कोई लेंस कवर नहीं की हुई थी। और मैं यहाँ से इसको जूम करता हूँ, ये मेरा पोर्ट्रेट मोड में लिया हुआ है और फोटो तो काफ़ी अच्छा आया है। इसमें बस शार्पनेस है, आपको इसके अंदर रिकॉर्डिंग में दिख नहीं पाई होगी क्योंकि डबल कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे शार्पनेस है काफ़ी और बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है, ये देखिए ये बैकग्राउंड ब्लर आया है। तो मतलब पोर्ट्रेट मोड बराबर इसने लिया हुआ है, पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड ब्लर है। खाली बात यहाँ पर ये है कि इसका जो ब्लरिंग इफेक्ट जो है ना वो इतना एक्यूरेट नहीं जाता है। जैसे कि अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ का जो हेयर लाइन है और ये बैकग्राउंड है इसके अंदर ये मिक्सअप हो गया है, मतलब एकदम शार्पनेस नहीं उतरी है। ये शार्पनेस आपको MI A1 में मिल जाएगी लेकिन इसमें आपको ये शार्पनेस नहीं उतर पाती। इसी को कहा गया है कि ये सॉफ्टवेयर रेंडरिंग है या फेक है वगैरह वगैरह, पर लेकिन कोई सॉफ्टवेयर रेंडरिंग नहीं है ये। आप बोल सकते हैं कि कैमरे में थोड़ी कमी है, क्योंकि ये है भी तो 11,000 का, तो थोड़ी 30,000 का 20,000 का फ़ोन आपने ये आप चेक कर रहे हैं जो आप बोलेंगे कि इसके अंदर ये नहीं है वो नहीं। हाँ अगर MI A1 है तो MI A1 गायब का नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये फ्रंट लेंस भी जो है अपना बराबर काम कर रही है, ये कोई सॉफ्टवेयर रेंडरिंग वगैरह नहीं है। इसको मैं फुल करूँगा, मैं अभी यहाँ लेंस कवर करके यही सेम एंगल पे फोटो निकालूंगा और देखेंगे कि इसकी ब्लरिंग गई कि नहीं गई, पोर्ट्रेट गया कि नहीं गया। अगर ब्लरिंग चली जाती है, पोर्ट्रेट निकल जाता है, तो फिर मतलब कि ये फ्रंट कैमरा जो है 2 MP का काम कर रहा है और ये कोई सॉफ्टवेयर वाला नहीं है, ये हार्डवेयर के हिसाब से या कैमरे के हिसाब से ही है। तो ये देखें इसको यहाँ से ये 2 MP कैमरे के ऊपर मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ, मैंने ये टेप लगा दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैमरा भी चालू है, मतलब कि मेरे जो फ्रंट का कैमरा जो है जो 13 MP का है वो चालू है, इसलिए मुझे दिख रहा है। अब मैं उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे मैंने ये वो फिल्टर को निकाला था पहले वाला, उसी पोजीशन पे रखते हुए मैं इसको एक क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वो फ़ोटो खोल लिया है जो मैंने अभी क्लिक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई बोका इफेक्ट नहीं आया है, कोई ब्लरिंग नहीं हुई है, कोई पॉकेट इफेक्ट नहीं आया है। मैं जूम करता हूँ, देखिए जिस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से मेरा ये पीछे का सोफ़ा है वो साफ दिख रहा है, प्लस जो ये दीवार का जो वॉलपेपर है वो भी शार्प आया है, ये देखिए, और ये सब भी शार्प आया हुआ है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है कि जब मैंने लेंस कवर कर दिए तो मेरे पास में जो बोके इफेक्ट है, जो कैमरा का जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है वो बंद हो गया है इसकी वजह से, मतलब कि ये जो ब्लरिंग है और जो पोर्ट्रेट मोड है वो 2 MP कैमरे से काम कर रहा है, ना कि सॉफ्टवेयर रेंडरिंग से। मैं आपको दिखा देता हूँ इससे पहले जो मैंने फ़ोटो लिया था ये रहा, ये फ़ोटो का फिर साथ दिखाया था कंपेयर करके, ये देखिए यहाँ पर ये ब्लर है और ये भी ब्लर है। और इसको मैं दिखाता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये शार्प है और ये भी शार्प है, ब्लर नहीं है। तो इस तरह प्रूव कर दिया मैंने कि Honda 9 Lite के अंदर किसी की किस्म की कोई सॉफ्टवेयर रेंडरिंग नहीं है, जब बल्कि दोनों ही कमरे में, फ्रंट हो या बैक, दोनों ही कमरे में अपना 2 MP कैमरा काम कर रहा है, जिससे आपका डिस्टेंस बोके और पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है। और मैं आपको दिखा दूँ एट द सेम टाइम कि यहाँ पर जबकि मैंने पोर्ट्रेट में सेलेक्ट किया हुआ था तभी भी मुझे यहाँ पे कोई आइकॉन नहीं दिख रहा है पोर्ट्रेट का या बुके इफेक्ट का, इसके अंदर आपको वो आइकॉन मिल जाता है। ये वाइट आइकॉन जो है, ये वाइट आइकॉन जो है ये इस फोटो में आया है। तो ये प्रूफ हो गया है कि इफेक्ट जो है पूरा टोटल फेक नहीं है, ना ही डुप्लीकेट है, ना ही सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर के थ्रू काम कर रहा है। हाँ अगर कुछ कमी इसके अंदर है तो इसके अंदर ब्लरिंग जो है, जो एक्चुअलिटी जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में जो शार्पनेस है, आपकी जो बॉडी शार्पनेस है जो जो है ना वो थोड़ी सी मिस हो जाती है, एकदम गेटअप नहीं मिलता इमेज को। उम्मीद करता हूँ आप पसंद आएगा वीडियो, पसंद आएगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेकीज। तो गाइस इस वीडियो से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसके कैमरे में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, धोखा है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।